गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग जैसा कि इस चैप्टर के बारे में एज अ इंट्रोडक्शन हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर चुके थे ड्यूरिंग टू क्लास, एंड नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम द पीपीटी। सो स्टार्ट करते हैं। ये आपको यहाँ पर एक टेंपल की पिक्चर दिख रही होगी, एंड आई होप कि कुछ बच्चों को पता भी होगा कि ये कौन से टेम्पल का है। देन या द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर। अब देखिए, ये इंडिया का एक कल्चर दिखाया हुआ है। देखो, हमारे यहाँ पर अलग अलग तरह का कल्चर, डांस, म्यूज़िक, अलग अलग तरह के मॉन्यूमेंट्स और अलग अलग तरह का ड्रेसिंग सेंस, ये सारी चीज़ें मिलकर हमारा कल्चर बनाती हैं, जिसको हम रीजनल कल्चर भी कहते हैं। अब यहाँ देखिए, अदर डांस फॉर्म्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड एज क्लासिकल एट प्रेजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु में होता है। दूसरा कथकली, केरल में। ओडिसी, ओडिशा में। कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश में। देन मणिपुरी, मणिपुर में। ये आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी क्लासिकल डांस आर इन प्रेजेंट इन द इंडिया। ये तो आपको पता होना चाहिए, 5। और ये इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए, पूछा जा सकता है। देन बियॉन्ड रीजनल फ्रॉम फ्रंटियर्स द स्टोरी ऑफ कथक। अब कथक की स्टोरी यहाँ बताई हुई है। एम्फेसाइज वॉज लेड ऑन इंट्रिकेट एंड रैपिड फुटवर्क, एलैबोरेट कॉस्ट्यूम्स एज वेल एज द इनैक्टमेंट ऑफ स्टोरीज। यानी कि आप देखोगे जो कथक होता है उसमें बच्चों पूरा जो है पैरों का ही उसमें खेल होता है, पैरों को उसमें किस तरीके से रखा जा रहा है, उसमें कॉस्ट्यूम। अभी मैं आपको इसमें वीडियो या फिर आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी कथक का जो होता है, और कई बच्चों ने तो देखा भी होगा, एंड कुछ बच्चे जो हैं वो इंटरेस्टेड भी होते हैं इस डांस फॉर्म को सीखने में। कथक लाइक सेवरल अदर कल्चरल प्रैक्टिसेस वाज व्यूड विद डिसफेवर बाय मोस्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स इन द 19th and 20th centuries। कथक जो था बच्चों, ये बहुत कल्चरल प्रैक्टिसेस में था उस टाइम पे, लेकिन इसे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे। However, it is survived and continued to be performed by courtesans and was recognized as one of 6 classical forms of dance in the country after independence. और ये इस डांस ने बहुत सर्वाइव किया, कंटिन्यू इसको कोर्ट वगैरह में जो है किया जाता था। आप लोगों ने एक मूवी आई थी भूल भुलैया, उसमें जो है ये डांस फॉर्म को दिखाया भी गया है। उसमें जो विद्या बालन है, उन्होंने ये डांस फॉर्म किया है लास्ट में। तो कथक जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल डांस फॉर्म है, और जो है इसमें इसको इसीलिए क्लासिकल डांस फॉर्म में भी आफ्टर इंडिपेंडेंस रखा गया है। बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स द स्टोरी ऑफ कथक। अंडर द मुगल एम्पायर्स एंड देयर नॉवल्स, कथक वॉज परफॉर्म्ड इन द कोर्ट। अब देखो, मुगल्स जो थे, इन लोगों ने से बहुत पैट्रोन किया कथक डांस को, इनके कोर्ट में किया जाता था ये डांस। एंड इट्स प्रेजेंट फीचर्स एंड डेवलपमेंट इन टू अ फॉर्म ऑफ डांस विद अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल। और उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्म में किया जाने लगा। अब इट डेवलप इन टू ट्रेडिशंस और घराना। अब ये घरानास के रूप में फेमस हुआ, एक था राजस्थान जयपुर और दूसरा लखनऊ घराना। ठीक है, म्यूज़िक में, डांस में घरानाज होते हैं जिनमें कि एक ही डांस फॉर्म या म्यूज़िक को अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है। उसके बाद वाजिद अली शाह जो थे, लास्ट नवाब थे अवध के, उन्होंने इसको पेट्रोनेज दिया, इस डांस फॉर्म को, कथक को, और इसको एक आर्ट फॉर्म के रूप में ग्रो किया। बाय द थर्ड क्वार्टर ऑफ द 19th century इट वॉज फॉर्मली इन्फ्लुएंस्ड एज अ डांस फॉर्म नॉट ओनली इन दीज टू रीजन्स। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि 19th century जब ख़त्म होने को था, तो उस टाइम पे ये सिर्फ अब ये सिर्फ जयपुर और लखनऊ तक ही लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि अब ये डांस फॉर्म जो है पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स में भी इस डांस फॉर्म को देखा गया। बियॉन्ड, अब उसी को आगे बताया, द टर्म कथक इज डिराइव्ड, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो कथक वर्ड है वो कथा वर्ड से आया, जो कि संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस फॉर स्टोरी एंड वर्ड यूज इन संस्कृत। ये वर्ड जो है ये संस्कृत में यूज़ किया जाता था, कथा, और अदर लैंग्वेजेस में भी इसमें स्टोरीज जो हैं वो बताई जाती थी। तो क्या होता है कि कथक एक ऐसा डांस फॉर्म है जिसके थ्रू आप कोई भी स्टोरी को आप दिखाना चाह रहे हो बिना बोले, अपने डांस फॉर्म के थ्रू। ठीक है, द कथक वर ओरिजिनली अ कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर्स इन टेम्पल ऑफ नॉर्थ इंडिया। यानी कि ये जो कथक है, ये टेम्पल्स में, नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं उनकी स्टोरीज को परफॉर्म करके बताया जाता था। ठीक है,
कथक बिगेन इवॉल्विंग इनटू अ डिस्टिंक्ट मोड ऑफ डांस इन द 15th एंड 16th सेंचुरी विद द स्प्रेड ऑफ द भक्ति मूवमेंट। अब इसको और बढ़ावा मिला जब भक्ति मूवमेंट आया, तो इसको कथक को और ज़्यादा बढ़ावा मिला। अब मंदिरों में ये डांस परफॉर्म किया जाने लगा गॉड एंड गॉडेसेस के लिए। लेजेंड ऑफ राधा कृष्ण वर एनेक्टेड इन फॉक प्लेस कॉल्ड रास लीला। अब ये जो ये बच्चों है, ये जो कथक है, ये मेनली इसमें राधा कृष्ण का फोक प्ले दिखाया जाता है इस डांस फॉर्म के थ्रू। इसको रास लीला भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें कथक स्टोरी टेलर्स को गेस्चर किया जाता है। फिर है राजपूत एंड ट्रेडिशंस ऑफ हीरोइज्म। अब राजपूत के टाइम पीरियड में कैसे ट्रेडिशन को बढ़ावा मिला। देयर वर एंड सेवरल ग्रुप्स हुड आइडेंटिफाई देमसेल्व एज राजपूत इन मैनी एरियाज ऑफ नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। अब राजपूत जो थे, ये कहाँ देखने को मिल रहे थे ज़्यादा, या तो नॉर्दर्न इंडिया में या सेंट्रल इंडिया में। देयर आर सेवरल पीपल अदर देन राजपूत हु लिव इन राजस्थान। अब बहुत सारे लोग थे राजपूत जो थे, वो राजस्थान, राजपूत जो थे मेनली राजस्थान से थे, लेकिन इनको राजस्थान के अलावा दूसरे स्टेट्स में भी देखा जाने लगा, मेनली सेंट्रल इंडिया में। अब कल्चरल ट्रेडिशंस भी इनके साथ जुड़े हुए थे राजपूत के साथ में। पृथ्वीराज चौहान का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनके ऊपर एक सीरियल भी बनाया गया था। पृथ्वीराज वॉज वन सच रूलर, दीज रूलर चेरिश्ड द आइडियल ऑफ दीज हीरो हु टफ वैलेंट फॉट वैलेंटली चूजिंग डेथ ऑन द बैटल फील्ड रादर देन। अब पृथ्वीराज चौहान जो है बच्चों, वो भी एक राजपूत थे, और राजपूत की एक ये खासियत थी कि वो मरना पसंद करते थे हारने के बजाय, ठीक है। उसके बाद है रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस। अब रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस के बारे में बताया गया है, जगन्नाथ कल्ट के बारे में। रीजनल कल्चर्स ग्रो अराउंड एंड रिलीजियस ट्रेडिशन। अब रीजनल कल्चर जो है वो रिलीजियस ट्रेडिशन यानी मंदिरों के आसपास जो है वो डेवलप होने लगे। जगन्नाथ बच्चों, मैंने आपको बताया था क्लास में जब लेते टाइम कि जगन्नाथ टेंपल की जो है वो जगन्नाथ पुरी में एक जगह है उड़ीसा में, वहाँ पर है। टू डेट द लोकल ट्राइबल पीपल मेक द वुडन इमेज ऑफ द डाइटी। यहाँ पर क्या किया जाता है, जो ट्राइबल्स हैं वो लोग ईश्वर की मूर्ति बनाते हैं लकड़ी से। अनंत वर्मन डिसाइडेड टू क्रिएट टेम्पल फॉर पुरुषोत्तम जगन्नाथ एट पुरी। उन्होंने, अब अनंत वर्मन का नाम इम्पॉर्टेंट है यहाँ, इन्होंने पुरुषोत्तम जगन्नाथ का मंदिर जो है बनवाया पुरी में, ठीक है। उसके बाद सब्सिक्वेंटली इन 1230 किंग अंग भीम III डेडिकेटेड हिज किंगडम टू द डाइटी एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द डेप्यूटी ऑफ द गॉड। अब यहाँ पे देखिए एक पर्सन और आया 1230 के आसपास, किंग अंग भीम III। इसने अपने डेडिकेटेड हिज किंगडम, उसने अपना जो किंगडम है वो भक्त के रूप में जो है वो डेडिकेट कर दिया, और अपने आप को गॉड का जो है वो क्या माना, एजेंट की तरफ दिखाया, ठीक है, कि मतलब उसको लोग भगवान की तरह ट्रीट करें। एज द टेम्पल गेंड इन इम्पॉर्टेंस एज अ सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज। अब टेम्पल वाले जो एरिया थे वो पिलग्रिमेज सेंटर बन गए, लोग वहाँ आने लगे दूर दूर से। इट अथॉरिटी इन सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स ऑल्सो इंक्रीज्ड। ऑल दोज हु कंकर्ड ओडिशा अटेम्प्टेड टू गेन कंट्रोल ओवर द टेम्पल। और जो दूसरे लोग थे वो अब उड़ीसा के ऊपर कंट्रोल करने के लिए उड़ीसा के जो टेम्पल्स हैं उन पर कंट्रोल करना चाहते थे। चेराज एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। अब क्या हुआ, चेराज आए और मलयालम लैंग्वेज जो कि केरल की आज लैंग्वेज है उसको बढ़ावा मिला। एट द सेम टाइम द चेराज ऑल्सो ड्रो अपॉन सांस्कृतिक ट्रेडिशन द टेम्पल थिएटर ऑफ केरला। अब देखो यहाँ नाम भी आया है केरला, विच इज़ ट्रेस टू द पीरियड बोरोड स्टोरीज फॉर द संस्कृत एपिक। संस्कृत एपिक से जो स्टोरीज ली गई उनको मलयालम में ट्रांसलेट किया गया। फर्स्ट लिटरेरी वर्क इन मलयालम डेटेड टू अबाउट द 12th सेंचुरी आर डायरेक्टली इंडेप्टेड टू संस्कृत। संस्कृत से ली गई चीज़ों को 12वीं सदी में मलयालम में ट्रांसलेट किया गया। अब इसमें लीलातील कम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 4th सेंचुरी में टेक्स्ट था एक लीला तिलकम। ये जो है ये ग्रामर एंड पोएटिक्स, डीलिंग विद ग्रामर एंड पोएटिक्स। इसमें मणि प्रवालम, जिसका मतलब, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, मणि प्रवालम का लिटरली मीनिंग होता है डायमंड एंड कोरल्स, रेफरिंग टू द लैंग्वेज संस्कृत एंड द रीजनल लैंग्वेज। जो ये दिखाता है कि डायमंड यानी संस्कृत लैंग्वेज और उसके साथ में कोरल्स जो हैं यानी रीजनल लैंग्वेज को यहाँ कोरल्स के रूप में, कोरल्स होते हैं जो आइलैंड्स वगैरह पे आपको देखने को मिलते हैं कलरफुल, और डायमंड्स आप डायमंड के रूप में यानी संस्कृत लैंग्वेज को दिखाया गया है। उसके बाद है चेरास एंड डेवलपमेंट ऑफ मलयालम को ही आगे कंटिन्यू किया है।
द चेरा किंगडम ऑफ महोदयपुरम वॉज एस्टैब्लिश इन द 9th century इन द साउथ वेस्ट पार्ट इन द ऑफ द एक सेकेंड सर उसके बाद है मलयालम जो है उसको केरल के एरिया में बोला जाता था, आज भी बोलते हैं, वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है केरल की, और रूलर्स जो थे वो मलयालम लैंग्वेज में ही अपने इंस्क्रिप्शंस लिखवाने लगे, और वहाँ पर एक किंग था चेरा किंगडम का जिसका नाम है वेट महोदयपुरम। इसने 19th century में साउथ वेस्ट पेनिनसुला वाला जो एरिया है जिसको आज केरला भी कहा जाता है इसको इस्टैब्लिश किया और यहाँ पर अपने इंस्क्रिप्शंस मलयालम लैंग्वेज में ही लिखवाए। दिस इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ द यूज़ ऑफ रीजनल लैंग्वेज इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इन द सब कॉन्टिनेंट। यानी कि ये जो है इसमें रीजनल लैंग्वेज जो है वो किस तरीके से एक ऑफिशियल रिकॉर्ड में देखी जाती है उसके बारे में बताया गया है। तो बच्चों यही इसमें इम्पॉर्टेंट था जो कि मैंने आपको कुछ चीज़ें क्लास में डिस्कस की, और ये इसके मैं आपको वर्कशीट भी भेज दूंगी, वहाँ से आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो वहाँ से भी मिल जाएंगी। तो आपको ये PPT अच्छे से देखना है और जो मैं आपको वर्कशीट भेजूँ उनको ध्यान से करना है और याद भी करना है, और इसके बाद हमारा सिर्फ एक चैप्टर और बचेगा। थैंक यू सो मच।